महज 16 साल की उम्र में पाकिस्तान जैसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ सचिन ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। देश के लिए खेलने का प्रेशर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वसीम और वकार की बॉलिंग उन्हें समझ नहीं आ रही थी। काफी देर पिच पे स्ट्रगल करने के बाद वकार यूनिस ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्हें लगा अब दोबारा उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट उनके बस की बात नहीं है। बड़े भाई अजीत पाकिस्तान आए और सचिन से कहा, अपने आप को थोड़ा वक्त दो। उस वक्त हेलमेट्स में ग्रिल्स नहीं होते थे। चौथे टेस्ट मैच में वकार की बाउंसर सीधा सचिन के नाक पे लगी। उनका टी शर्ट खून से लथपथ था। सचिन को पता था टीम को उनकी जरूरत है और वो अपने बैटिंग से मैच को बचा सकते हैं। उन्होंने मेडिकेशन लेने से मना कर दिया, खून पोंछा, थोड़ा बर्फ लगाया और कहा, मैं खेलेगा। सियालकोट के मैदान में उस दिन दुनिया ने क्रिकेट के भगवान की एक झलक देखी। सचिन का एक सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना, इसका उन्हें और इंतजार करना था। 1992 और 1996 वर्ल्ड कप में निराशा के बाद 1999 वर्ल्ड कप में बहुत ही मजबूत इंडियन टीम इंग्लैंड में दोबारा वर्ल्ड कप अपने नाम करने उतरी। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर अपने प्राइम फॉर्म में थे। लेकिन इस टूर्नामेंट के बीच सचिन के जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ के रख दे। 19 मई 1999 जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से ठीक पहले रात को सचिन को पता चला उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद मेरी जिंदगी में जो भी होने वाला था उसका हिस्सा मेरे पिता कभी नहीं होने वाले थे और इस बात की मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि वो अब नहीं रहे। इंडिया आके पिता का अंतिम संस्कार किया और वापस इंग्लैंड जाके कीनिया के अगेंस्ट मैच खेला। उस मैच में सचिन ने 140 रन नॉट आउट बनाया और अपना सेंचुरी अपने पिता को डेडिकेट किया। वो पिता की ही बातें थीं जो सचिन के दिमाग में बार बार चल रही थी। ऐसे मौके पे वापस जाके मैच खेलना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए एक बड़ा जिगरा चाहिए होता है। किसी को यूं ही लोग भगवान का दर्जा नहीं देते। सचिन के पिता ने उनसे कहा था, इस गेम ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है तो इस गेम की हमेशा इज्जत करना। लेकिन एक बहुत ही कुरेफाती और बदमाश लड़का जिसे टेनिस खेलने का शौक था, वो कैसे क्रिकेट और वर्ल्ड कप के सपने तक पहुंचा, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। चौबीस अप्रैल 1973 को दादर बॉम्बे के निर्मल नर्सिंग होम में एक लड़के का जन्म हुआ। उसके पिता रमेश तेंदुलकर, जो कि एक जाने माने मराठी लेखक थे, उन्हें संगीत का बहुत शौक था। इस वजह से अपने बेटे का नाम उन्होंने सचिन देव बर्मन के नाम पर रख दिया, सचिन रमेश तेंदुलकर। बचपन में सचिन बहुत शरारती थे। अपने कॉलोनी में बच्चों को परेशान करना, लड़ना झगड़ना, कोई भी खेल खेलना, हमेशा जीतने के लिए खेलना। 7-8 साल की उम्र में वो टेनिस और क्रिकेट जैसे खेल खूब खेला करते थे। माँ रजनी तेंदुलकर एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। सचिन ने अपनी माँ को दिन भर काम करते देखा है और यहीं से उन्हें हार्डवर्क की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला। 25 जून 1983 पिछले दो बार की वर्ल्ड चैंपियंस वेस्ट इंडीज को इंडिया ने हराया। क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड्स और डेस्मोंड लियो से भरी बैटिंग लाइनअप को इंडियन टीम ने 140 रन पे ढेर कर दिया। इस जीत ने हम इंडियंस को एक भरोसा दिया कि हम भी दुनिया के मजबूत अपोनेंट्स को हरा सकते हैं और वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। बांद्रा ईस्ट के साहित्य सहवास के चौथे फ्लोर पे 10 साल के सचिन अपने फैमिली के साथ ये मैच देख रहे थे। उस दिन उन्होंने ये सपना देखा कि मुझे भी देश के लिए खेलना है और देश के लिए ऐसे ही वर्ल्ड कप जीतना है। एक दफा सचिन की बड़ी बहन कश्मीर से उनके लिए एक बैट लेके आई। जब सचिन अपने बड़े भाई अजीत के साथ क्रिकेट खेलते थे, तब अजीत ने देखा सचिन के अंदर कुछ तो खास बात है। उन्होंने सचिन को शिवाजी पार्क के कोच रामाकांत आचरेकर के पास ले गए। पहली मुलाकात में कोच की मौजूदगी के वजह से सचिन अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। जब कोच वहां से चले गए और इस बार पेड़ के पीछे से छुप के सचिन के बैटिंग को देखा, तब उन्हें एक अनपॉलिश्ड हीरा दिखा जिसे पॉलिश करने की बारी थी। 11 साल की उम्र में सचिन ने प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की और सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने पूरे बॉम्बे में अपना नाम बना लिया। सभी कह रहे थे, ये लड़का एक महान खिलाड़ी बनेगा। साल 1988 के लॉर्ड हैरिस शील्ड इंटर स्कूल गेम में विनोद कांबली के साथ नाबाद 664 रन की पारी खेली, जिसके वजह से बॉम्बे के रणजी टीम में उनका सिलेक्शन हुआ।
11 दिसंबर 1988 को गुजरात के अगेंस्ट अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। डेब्यू पे ही उन्होंने नाबाद 100 रन बनाए। टीम के कैप्टन दिलीप वेंगसरकर ने देखा कि 15 साल का नौजवान इंडिया के बेस्ट फास्ट बॉलर कपिल देव को कितने आसानी से खेल रहा है। इसके बाद देवधर और दुलीप ट्रॉफी के अपने डेब्यू मैच में उन्होंने शतक जड़ा। इंडियन सिलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट राज सिंह दुनेगरपुर ने उस फर्स्ट क्लास सीजन के बाद सचिन को नेशनल टीम में शामिल कर लिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में खतरनाक पेस बॉलर्स के सामने टीम 16 साल के सचिन को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी और इस वजह से उन्हें इस सीरीज के प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में अपना टेस्ट डेब्यू किया। उस मैच में उनपे डेब्यू का प्रेशर था, लेकिन अगले मैच में अपने बैटिंग से उन्होंने पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि वो इतिहास बनने नहीं, इतिहास लिखने आए हैं। उसी सीरीज के बीच में खेले गए 20 ओवर के एग्जीबिशन मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 18 बॉल में 53 रन बनाए। उस इनिंग्स में सचिन ने अब्दुल कादिर को एक ओवर में 4 छक्के मारे। मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे किसी बंदे ने एक ओवर में 3 छक्के मारे। 14 अगस्त 1990 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं के जमीन पे अपना पहला टेस्ट सेंचुरी मारा। ये 100 सेंचुरी में से पहला था। धीरे धीरे सचिन इंडियन टीम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते जा रहे थे। फिर आया शारजा में हुआ साल 1998 कोका कोला कप। इस टूर्नामेंट से पहले हुए पेप्सी ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 4 विकेट से हराया था, वो भी दिल्ली में। कोका कोला कप के 6th मैच को इंडिया को किसी भी हाल में जीतना था। इंडिया को जीत के लिए 285 रन चाहिए थे और नेट रन रेट से फाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए 237 रन। अप्रैल के महीने में शारजा में भयंकर गर्मी पड़ती है। जब इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी तब सैंड स्टॉर्म आया। टारगेट्स को चेंज किया गया। अब जीत के लिए बचे 15 ओवर में 133 रन चाहिए थे और फाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए 94 रन। सचिन को किसी भी हाल में मैच जीतना था और अब आया इंडियन डेजर्ट स्टॉर्म। सचिन ने उस दिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के धागे खोल दिए। फाइनल्स में अपने बर्थडे पे सचिन ने फिर ऐसी ही पारी खेली। शेन वॉन को तो निरमा वॉशिंग पाउडर से धो डाला। उस दिन सचिन ने कोका कोला कप के साथ अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। पूरे विश्व क्रिकेट में इस पारी की सराहना हो रही थी और इंडिया में सचिन को क्रिकेट का भगवान माने जाने लगा। दुनिया का कोई भी स्टेडियम हो, जब सचिन बैटिंग करने आते तो ये आवाज होना लाजमी था। इतनी कम उम्र में इतना नाम और शोहरत किसी को भी भटका सकता था, लेकिन पिता की दी हुई सीख, इट इज अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी वेयर द पाथ वोंट बी इजी। समटाइम्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू सर्टेन थिंग्स देयर माइट बी ऑब्स्टेकल्स। डोंट गिव अप, डोंट फाइंड शॉर्टकट्स। आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द राइट पाथ ऑलवेज एंड इन टफ टाइम्स टफ मैन लास्ट ने सचिन को जमीन पे ही रहकर चलना सिखाया। 23 मई 1999, पिता के अंतिम संस्कार से आने के बाद वो वापस से ग्राउंड पे थे। कीनिया के खिलाफ उस मैच में सचिन ने 138 के स्ट्राइक रेट से 140 रन नॉट आउट बनाया और वो इनिंग्स उन्होंने अपने पिता को डेडिकेट किया। शुरू के 2 मैच हारने से टीम का मोराल डाउन था और उस साल के वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम को हार का सामना करना पड़ा। फिर आया 2003 वर्ल्ड कप, सचिन के करियर का 4th वर्ल्ड कप। पिछले साल इंग्लैंड में हुए नेटवेस्ट सीरीज में जीत के बाद इंडियन टीम को भरोसा था इस साल तो वर्ल्ड कप वो लेके ही जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल्स में टॉस जीतने के बाद कैप्टन सौरव गांगुली ने बैटिंग करने का फैसला किया। पिच बॉलिंग के लिए नहीं थी। ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस के वक्त कहा, टॉस जीतने पे हम बैटिंग ही करते। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 360 रन का विशाल लक्ष्य दिया। वर्ल्ड कप फाइनल और स्कोरबोर्ड पे इतने बड़े टारगेट के प्रेशर में इंडियन टीम 234 रन पे ढेर हो गई। सचिन ने उस टूर्नामेंट में अपना सब कुछ दे दिया। 673 रन के साथ वो उस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर थे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए उन्हें और इंतजार करना था। अगस्त 2004 में ऑस्ट्रेलिया टूर पे सचिन को टेनिस एल्बो इंजरी हो गया। इस इंजरी के बाद सचिन बैट भी नहीं उठा पा रहे थे। उन्हें लगा उनका करियर अब खत्म। उन्होंने ऊपर वाले से बस एक दुआ की, Just give me one more chance, please. I have to play cricket. I can't stop now. Friends और family के support से वो इस injury से उभर पाए। Injury से लौटने के बाद सचिन ने 10 दिसंबर 2005 को सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़ सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
इस बीच ग्रेग चैपल इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बने। 2005 से 2007 इंडियन टीम का सबसे डार्क फेस था। इसी बीच 2007 वर्ल्ड कप आया जिसमें चैपल ने सचिन से नीचे बैटिंग करने को कहा, लेकिन सचिन ने कहा मैं ऊपर बैटिंग करूंगा। बांग्लादेश के खिलाफ सचिन ने सेकेंड डाउन बैटिंग किया और 7 रन पे आउट हो गए। ये दिन सचिन के करियर का सबसे बुरा दिन था। इस हार ने इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। सचिन के करियर का 5वां वर्ल्ड कप और अब उनके लिए उम्मीद के सारे किरण मिट गई थी। उन्होंने रिटायरमेंट लेने का सोच लिया। बड़े भाई अजीत और विव रिचर्ड्स ने सचिन को संभाला। इसके बाद शुरू होता है इंडियन क्रिकेट का बेस्ट फेज। वो कहते हैं ना, जो मुश्किलों को झेल गया वही सफलता का स्वाद चखता है। इंडियन टीम और सचिन ने कमबैक किया। 2008 से 2011 तक सचिन ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन नॉट आउट शामिल था। 2011 वर्ल्ड कप, वो भी इंडिया में। इंडिया के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होता। टीम का माहौल बहुत अच्छा था। गैरी कस्टन जैसे कोच और महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान, जिन्होंने 2007 में इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया था। सचिन के करियर का 6ठा वर्ल्ड कप और एक बात साफ था, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। जीतने के लिए इंडिया को टीम एफर्ट की जरूरत थी और टूर्नामेंट के हर मैच में कोई न कोई प्लेयर एक मैच विनर बन के उभरा। इस टूर्नामेंट में भी सचिन ने अपना सब कुछ झोंक दिया। 482 रन के साथ वो इंडिया के तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। फाइनल्स में इंडिया को जीत के लिए 275 रन चाहिए थे। सचिन 18 रन बनाकर मलिंगा के शिकार हो गए। पूरा स्टेडियम सुन्न था। उस वक्त किसी को यह एहसास तक नहीं हुआ कि ये सचिन का लास्ट वर्ल्ड कप अपीयरेंस है। मैच इंडिया ने जीता और आखिरकार उस दिन सचिन का दूसरा सपना पूरा हुआ, देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सपना। 16 मार्च 2012 को अपना 100वां शतक मारा। 15 नवंबर 2013 को आखिरी दफा सचिन ने 22 यार्ड के उस पिच पे बैटिंग की और 24 साल का ये सफर। The most important person in my life and I've missed him a lot. My father. Sachin, Sachin. That will reverberate in my ears. एक महान बल्लेबाज के साथ साथ सचिन रमेश तेंदुलकर एक महान इंसान भी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।